दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एलजी दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। कोर्ट की सुनवाई 11 नवंबर तक टल गई है और अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का नोट लिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बात कही है कि जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया है, एक सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश करना, टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस पर वो बाकी दलों को भी बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और इस मैटर की एक प्रिलिमिनरी सुनवाई हुई। हमारे भी जो ऑब्जेक्शंस थे मेंटेनेबिलिटी को लेके, नॉन जस्टिसिएबिलिटी को लेके, वो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी तौर पे कहा और कोर्ट ने अब इसको फाइनल हियरिंग के लिए 11 नवंबर को लगाया है और तब तक बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस या कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो तब तक जो चलेगा, उसका क्या परिणाम होगा और जो भी होगा वो सब कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने एलजी की तारीफ की और उन्हें विकल्प तलाशने के लिए और वक्त दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तय वक्त में एलजी देख लें कि आगे क्या करना है, अगर कोई संभावना नहीं बनती है तो दोबारा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज़ गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए, तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने और इसीलिए इस प्रोसेस को प्ले आउट करने के लिए और समय दिया गया है 11 नवंबर तक, जब ये फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी कि वो दिल्ली में जल्द सरकार बनाए। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि ज्यादा दिन तक जनता को राष्ट्रपति शासन में नहीं रखा जा सकता, जनता का अधिकार है कि उसे चुनी हुई सरकार मिले। 5 महीने तक कोर्ट के बार बार हिदायत के बाद भी सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।